दोस्तों, दुनिया में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जो कि किन्हीं कारणों से डरावनी और श्रापित मानी जाती हैं। इनमें से तो कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं जहां पर असाधारण रूप से ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों को इन इमारतों में मौजूद पारलौकिक शक्तियों का आभास हुआ है। कुछ लोगों को तो ऐसे लोग सजीव हालत में दिखे हैं जो कि काफी समय पहले मर चुके थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में जिन्हें श्रापित माना जाता है। द सुनर होटल इंग्लैंड में विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है। इस होटल में किंग जॉर्ज तृतीय और प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस रुकते थे। उन्हें यहाँ ठहरना बहुत ही अधिक पसंद था और आज भी यह होटल हर आम खास के लिए पूरी रात खुला रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ ठहरना है तो यहाँ आपको अपने जोखिम पर ठहरना होगा। ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का दावा है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी हैं कि उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि इस होटल के कमरे 17 नंबर और 28 नंबर बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि इनमें ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा सका है। लालोरी हाउस अमेरिका के न्यू ऑलियंस लुसियाना में सन 1800 के शुरुआती दौर में इस घर में मैडम लालोरी नाम की एक महिला रहा करती थी। कहा जाता है कि दुनिया के सामने वह एक बहुत ही अच्छी महिला के तौर पर पेश आती थी, लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक किया करती थी। कहते हैं कि एक रात उनके एक गुलाम ने, जो कि उनसे बेहद खफा था, उनके घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर मैडम लालोरी की मौत हो गई। लेकिन उनकी आत्मा आज भी इसी इमारत में भटकती है जो कि एक होटल बन गया है। उनकी आत्मा होटल में आने वाले लोगों को डराती है। लोगों ने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी है जो सुनने में बेहद डरावनी होती है, पर फिर भी बहुत सारे लोग इन सभी गतिविधियों का आभास लेने के लिए इस होटल में जाते हैं। यूनियन सिमेट्री कब्रिस्तान कनेक्टिकट अमेरिका में कनेक्टिकल के पास ईस्टर्न के स्टेपनी रोड पर एक सामुदायिक कब्रगाह है जो कनेक्टिकट के साथ साथ पूरे अमेरिका में सबसे डरावने कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। इस कब्रिस्तान को सफेद भूतनी या व्हाइट लेडी के चलते जाना जाता है। उसके बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसकी तस्वीरें भी उतारी हैं। लोगों के अनुसार उसके काफी लंबे बाल हैं और वह हमेशा एक लबादे के जैसा गाउन पहने रहती है। उसे अक्सर ही बीच सड़क पर देखा जाता है जहां वो गाड़ियों से टकराती सी दिखती है, मगर फिर भी वह लोगों को सही सलामत दिखती है। इस कब्रगाह को रात के दौरान बंद रखा जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में पैरानॉर्मल गतिविधियों के जानकारों का कहना है कि यहां दिन के समय भी विचित्र अनुभव होते रहते हैं। दी वैली हाउस सैन डिएगो यह भी अमेरिका की एक भूतहा इमारत है और जब से ही वैली परिवार के लोगों की इसमें रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, तब से ही यह हवेली को लेकर ना जाने कैसी कैसी कहानियां कही और सुनी जा रही है। यहां आने वालों ने बगीचे में भूत देखने की बातें स्वीकार की है और उनका कहना है कि उन्होंने वैली परिवार के लोगों की आत्माओं को वहाँ के पार्लर में देखा है। इस इमारत को 1857 में थॉमस वैली ने बनवाया था और उनका परिवार इसमें रहता था, जो कि अब एक संग्रहालय बन गया है। यहाँ एक लड़की, जिसे लोग थॉमस वैली की परपोती बताते हैं, ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। यहाँ आने वाले बताते हैं कि रेनाल्ड नामक यह लड़की लोगों का हाथ पकड़कर पूरी हवेली घूमती है। यह इमारत अपने समय में पुराने शहर की एक क्लासिक इमारत मानी जाती थी। विलर्ड मेंटल हाउस विलर्ड न्यूयॉर्क के इस पागल खाने को 1869 में बनाया गया था और वर्ष 1995 में इसे बंद कर दिया गया था। किसी दौर में यहाँ लगभग 4000 से भी ज्यादा मरीज रहा करते थे और ऐसा कहा जाता है
कि 1869 से लेकर 1995 के अंत तक लगभग 50,000 मरीजों की मौत इसकी चार दीवारियों के भीतर ही हुई थी। यह बात इस बंद हो चुके पागल खाने को और भी डरावनी बनाती है। हालांकि इसके बंद होने पर यहां रह रहे मरीजों को वापस भेज दिया गया, मगर इससे पहले तो यहां से मरीजों की सिर्फ लाशें ही जाया करती थी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह बात हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।